जी एक 108 मंत्रों की जो माला है उनमें से 107 मंत्रों में राम कृष्ण वाली आत्माएं कृष्ण की सेवा करती है, ठीक है ना? तो कृष्ण की आत्मा को सूक्ष्म शरीर होने के कारण वो सेवा कर सकती है, यह तुम्हें समझ सकता हूँ। लेकिन राम वाली आत्मा का तो साकार शरीर है, तो वो कैसे सेवा कर सकती है? ओ प्रायश्चित बुद्ध गुरु नानक की तरह सूक्ष्म बुद्धि वाली बनती है प्रैक्टिस करने से, या स्थूल बुद्धि रहती है? स्थूल बुद्धि रहती है। जब जो धर्म पिताएं हैं ये जो इतना महानता प्राप्त करते हैं इस दुनिया में, उनके मुकाबले राम और कृष्ण की आत्माएं जो हैं, उनमें राम कृष्ण के बीच में भी राम वाली आत्मा ज्यादा सूक्ष्म बुद्धि वाली बनने की प्रैक्टिस करती है, या कृष्ण वाली आत्मा सूक्ष्म बुद्धि बनने की प्रैक्टिस करती है शरीर रहते? राम वाली आत्मा ज्यादा सूक्ष्म बुद्धि बनती है। तो जो क्लास में ज्यादा होशियार स्टूडेंट होता है तो टीचर उसको क्लास में क्या टाइटल दे देता है? मॉनिटर बनाई देते है। तो जब टीचर नहीं होता है खुदा न खास्ता, तो मॉनिटर पढ़ाई पढ़ाता है कि नहीं पढ़ाता है? कंट्रोल कर सकता है कि नहीं कर सकता है? कर सकता है। तो जवाब मिला आपकी बात का? जब दृष्टि देते हैं मुख्य बाबा तो पाप कम होते हैं? किसी को देखते हैं तो सबसे जास्ती संग का रंग कौन से अंग को लगता है? आंखों को लगता है। आंखें बहुत धोखा देने वाली भी हैं, और आंखों से अगर हम ऊंच से ऊंच को देखेंगे तो धोखा खाने वाली बनेंगी? नहीं बनेगी। सबसे जास्ती संग का रंग कौन से अंग को लगता है? आंखों को लगता है। ऐसे ऐसे भी हुए हैं जिंदगी में एक बार ही देखा है और सारे जीवन याद करते रहते हैं, और एक बार जिसको देख लिया उसकी याद जिंदगी में भूलती नहीं। बाप भी कहते हैं एक बार की स्मृति सदाकाल के लिए स्थायी बनाए सकते हो। अब यहां तो रोज बैठ बैठ करके प्रैक्टिस ही तो करते हैं, और जो प्रैक्टिस होगी वो निश्चय बुद्धि के आधार पर होगी। जितना निश्चय बैठा होगा उतनी ही प्रैक्टिस होगी या कम जास्ती हो जाएगी? जितनी भावना पक्की बैठी होगी, श्रद्धा विश्वास भावना अंधश्रद्धा नहीं, उतना ही आंखें जास्ती संग का रंग धारण करेंगे। और आंखों का तो जन्म जन्मांतर का ये अभ्यास पक्का हुआ पड़ा है। क्या दिल से जिसको देखेंगे वो याद जरूर आएगा। तो सिर्फ देखना कोई याद नहीं है, लेकिन इंद्रियों से जो अनुभव करते हैं शरीर के द्वारा वो याद आता ही है। अगर ऐसा न हो तो भगवान को साकार में आने की क्या दरकार?
है? अच्छा साकार में आए भी ज्ञान सुना के चला जाए तो याद नहीं कर सकते क्या है? कर सकते हैं, बार बार आने की दरकार नहीं है? है ना? क्यों है? क्योंकि जिन आत्माओं का अनेक जन्मों का संग का रंग राम कृष्ण वाली आत्माओं से है, वो तो उन रामकृष्ण की आत्माओं में सुप्रीम सोल को देखेंगे। अच्छा सुप्रीम सोल को न भी देखें तो भी उनका लगाव रामकृष्ण के चोले के साथ स्वतः ही लग जाएगा। लेकिन शक्ति रूपी जो झाड़ है उसमें कितने मनुष्य हैं? 500-700 करोड़। सबका संग हीरो हीरोइन के साथ एक जैसा होता है क्या? एक जैसा तो होता नहीं। तो जिनका संग कम हुआ है पूर्व जन्मों में उनको बार बार देखने की जरूरत पड़े, सन्मुख की जरूरत पड़े, या एक बार से ही काम चल जाएगा? उनको बार बार देखना से पड़े, बार बार स्मृति में लाने के लिए बार बार प्रैक्टिस करनी पड़े, सन्मुख आना पड़े, बल्कि उनको और ही कठिन हो जाती है। नहीं देखते हैं तो तलहीलापन पैदा हो जाता है, देखे बगैर बातचीत किए बगैर रह नहीं सकते। तो दृष्टि लेना, सिर्फ दृष्टि लेना ये कोई याद नहीं है, लेकिन साकार में निराकार की स्मृति रहना, क्या साकार को देखते हुए भी हम किसको देख रहे हैं? जो सदा शिव है हम उसको देख रहे हैं। ये पक्की स्मृति जो है वो पक्की याद दिलाती है, नहीं तो रामकृष्ण में लटक पड़ेंगे। अभी गाँव गाँव में देखने वाले प्रोग्राम कर ले रहे हैं, बोलते हैं कि आज तक दीदी ने कभी भी झूठ बात नहीं कही है, दादी दादी ऐसे लोगों को बोल देते हैं है? और लोगों को बोल देते हैं है? उसको बोले तुम्हारी का बता दो कितने बच्चे हैं, वो तो शंकर को छोड़ दिया ना है? वो कहेंगे शंकर होता ही नहीं, हमारी दादी ने तो ठीक ही बोला, आत्मा ही स्थापना पालना विनाश का पाठ बजाती है। दादी ने जितनी स्थापना पालना करके दिखाई उतना करके दिखाओ तो हम तुमको भगवान मानेंगे। ये अरे भविष्य में क्या होगा, ये कर देंगे वो कर देंगे वो कर देंगे, जेंगे जो कौन मानता है? एक रेखा खींची हुई है और किसी ने एक रेखा खींच ली, हम कहेंगे नहीं ये क्या रेखा इसने बनाई, हम तो इससे बड़ी रेखा बना देंगे, गेंगे बना देंगे, तो उससे बड़ी रेखा मानी जाएगी? कब मानी जाएगी? है जब बना देंगे तो दुनिया मान लेगी। हम छोड़ के भाग रहे हैं रावण के अंत में श्री राम का एक चरित्र छोड़ता है, इसकी स्तुति इंसान का मतलब कैसे होती है? मैंने मान लेता है अंत में, तो हम कैसे पता चलता है? कैसे पता चलता है? माना रावण का पार्ट बजाने वाली आत्माएं बीज रूपी स्टेज में नहीं होंगी,
दुनिया की हर प्रकार की आत्माओं के बीज है या नहीं है? हैं? तो बीज यहाँ नहीं है, वो पाठ नहीं बजावेंगे, वो शरीर छोड़ के चले जावेंगे। आधार मूर्त जो जड़ों पर बैठी हुई आत्मा है, जड़ों का पाठ बजाय रही है, वो भले शरीर छोड़ के चली जावे, लेकिन जो बीज रूप आत्माएं हैं, बीज जो है वो अविनाशी होता है या बीज का विनाश हो जाता है? है? अविनाशी होता है। जो बीज रूप आत्माएं हैं उनका विनाश नहीं होता, उनका छिलका उतरेगा। जो देवभान का छिलका चढ़ा हुआ है, बाकी ऐसे नहीं है कि हम पहचानेंगे नहीं। अगर हम पहचानेंगे नहीं, मानेंगे नहीं, तो दुनिया कैसे मानेगी? रावण का चित्र बनाया जाता है चरित्र करने वाला, दुनिया कैसे मानेगी कि कोई रावण भी का रावण भी होता था? अभी चेहरे तैयार हो रहे हैं क्या? तैयार हो रहे हैं कि नहीं? तो दुनिया जानेगी नहीं, जानेगी। और अब जानने वाले अभी जान रहे हैं कि नहीं जान रहे हैं? अभी भी जान रहे हैं ना। और जो जान रहे हैं उसको प्रूफ सहित बता सकते हैं या नहीं बता सकते हैं? एक होता है सिर्फ जानना, किसी ने कह दिया, उन्होंने मान लिया, जान लिया, दूसरों को बता दिया। और एक होता है ऐसा जानना कि जो जाना है उसको प्रूफ सहित जाना है और दूसरों को प्रूफ सहित बता भी सकते हैं कि इनका पाठ ऐसे विभिचारी रावण का है, अनेक मुखों का है, ये अनेक मुखों वाला रावण है और ये एक मुख वाला पाठ बजाने वाला, आज से अंत तक एक ही बात कहने वाला, ये बाप है। कितनी ढेर सारी पार्टियां निकल गई एडवांस में, ढेर सारी पार्टियां निकली है ना विश्व पार्टी के नाम से। क्या सब पार्टियां मुरली की बातों पर उसी तरह काबिज है? जो चित्र बाबा ने बनवाए साक्षात्कार से, मुख्य चित्र, उन चित्रों के ऊपर उसी तरह काबिज है? यह सब कुछ बदल दिया है, बदल दिया है, तो दुमोहे हो गए ना। भगवान होगा तो सत्य होगा ना, सत्य तो सदैव अधिक होता है, डोलता नहीं है। आज एक बात कहना कल दूसरी बात कहना, आज एक को बाप बनाना कल दूसरे को बाप बना लेना। और बाबा गुप्त, बाबा गुप्त होने के बाद कलंकी धरावता चालू हो गए। कलंक धारण करने वाला कलंकी धारा अभी नहीं है क्या? है ज्यादा ज्यादा जा, माया जब लाख संघर्ष करेगी क्या, फाइनल परीक्षा जब होगी तो ज्यादा कलंक लगाएगी या थोड़े कलंक लगाएगी? माया भी सर्वशक्तिवान है ना कि कम शक्तिवान है? सर्वशक्तिवान है। तो बाप के बच्चे नंबरवार है, वो नंबरवार महिमा कर सकेंगे, नंबरवार महिमा में स्थायी रह सकेंगे। और माया का तो बहुत बड़ा रूप है, जबरदस्त आक्रमण करती है। तो महिमा करेंगे वो ग्लानी करेंगे क्या?
दुनिया के हिसाब से तुम्हारे पास तो इतनी ताकत नहीं। बाप तो गरीब निवाज बाप के बच्चे भी गरीब, और सारी दुनिया झूठी है या सच्ची है? झूठी। तो झूठी दुनिया वालों के हाथ में सत्ता है या सच्चों के हाथ में सत्ता है? झूठों के हाथ में सत्ता है। तो वो झूठ जो रिश्वत लेने वाले हैं वो किसकी बात मानेंगे? हैं? झूठों की बात मान लेंगे। टीवी उनके हाथ में, रेडियो उनके हाथ में, अखबार अखबार उनके हाथ में, एडवर्टाइजमेंट करके कुछ का कुछ बदल के दिखा देते। आज के वकील क्या करते हैं? झूठ को सच्चा और सच्चे को झूठ कर देते। ऐसे थोड़े ही कि जितने झूठे हैं उनको ही सजा मिलती है, सच्चों को सजा नहीं मिलती है। जो सच्चे हैं उनको ज्यादा सजा मिल रही है, जेलें भरी पड़ी हैं। तो झूठ भी एक बार बहुत बोलबाला होता है, लेकिन अंत तक नहीं, अंत में फिर भी विजय सच्चाई की होगी। और शुभ क्या होते हैं, शिव क्या होते हैं, करता है और सोचता है, लेकिन वो क्या था करता कैसे, क्योंकि वो पत्थर को फॉर्म बनाता हूँ संगमित में, तो करता कैसे हो? मैंने मुझे पढ़ाया है ना, जो शिव है जो कर्म करता है उस कर्म का फल लेता है, है? पतितों को पावन बनाने का कर्म करता है, संग का रंग लगता है, इतने अच्छे कर्म का अच्छा फल लेता है, है? लेता है कि नहीं? नहीं लेता। वो नहीं लेता, कौन लेता है? अशिव बाबा लेता है। अच्छे कर्म का अच्छा फल शिव बाप लेता है, कौन लेता है? पतित पावन तो एक है, पतित पावन एक है, वो अच्छे से अच्छा कर्म करता है, पतितों को पावन बनाता है, इतना ऊंचा इतना श्रेष्ठ कर्म करता है जो दुनिया ने किसी ने भी नहीं किया, परंतु उसका फल सुप्रीम सोल बाप लेता है? नहीं लेता। जब फल ही नहीं लेता, पाप करे और पुण्य करे और उसका फल ही ना बने, तो कर्ता कहा जाएगा या अकर्ता कहा जाएगा? हैं? फिर तो अकर्ता हो गया ना, किया किया न किया बराबर हो गया। तुम पढ़ रहे थे तो तुम्हारी अकल ये नहीं काम करती है कि वो करने का फल कौन लेता है, वो कौन फल लेता है? फल कौन लेता है? है तो एक पर्सनालिटी, आत्माएं दो हैं, लेकिन जो अच्छा कर्म करता है पतितों को पावन बनाने का, उस कर्म का फल लेने वाला कौन है? भगवान को भोग लगाया जाता है, वो भोग स्वीकार करता है नहीं स्वीकार करता? कौन स्वीकार करता है? हम बच्चे का। पतितों को पावन एक बनाता है, पतितों को पावन बनाने वाला एक है, और एक में एक है भोगी और एक है अभोगी, तो फल कौन लेता है? भोगी फल लेता है और अभोक्ता कोई फल नहीं लेता है, तो अभोक्ता कहा जाता है कि भोक्ता कहा जाता है? अभोक्ता कहा जाता है। वाह।
जो आत्मा यहाँ से कोर्स करके भर्ती कर ले जाते हैं तो उसके तो कोई कोई आत्मा को रंग चढ़ता है, कोई कोई आत्मा को अच्छा भर्ती का रंग चढ़ता है और कोई कोई बिल्कुल नहीं चढ़ता है। वो तो जैसे बेसिक में होता था, ब्रह्मा कुमारी आश्रम में भी ज्ञान लेने जाते थे, ज्ञान लेने वालों में कोई कच्चे ब्राह्मण बने, कोई पक्के ब्राह्मण बने। एक तो स्कूल है, पढ़ाई है, जैसी पढ़ाई पढ़ेंगे वैसा ही तो फल मिलेगा। बत्ती करने जाने वालों में जाने वालों का एम ऑब्जेक्ट क्या होता है? जैसे ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाने वाले बहुत, उनमें जाने वालों का एम ऑब्जेक्ट क्या होता है? ब्रह्मा को देखने जाते हैं, परखने जाते हैं, या ब्रह्मा कुमार कुमारियों को देखने जाते हैं, या उनकी बुद्धि में ये पक्का है कि शिव ही बैठ जाता है? बहुत से ऐसे हैं जो ब्रह्मा कुमार कुमारियों को ही देखने जाते हैं। बहुत सी कन्याएं माताएं ऐसी हैं, भगवान आया हुआ है देखे कैसा है, देख तो नहीं कम से कम। तो ब्रह्मा को देखने जाते हैं या ब्रह्मा में आए हुए शिव को परखने जाते हैं? और शिव को इन आंखों से परखा जाता है क्या? नहीं। जो वहां जाते हैं वो यहीं से ज्ञान में पक्के होके जाने चाहिए। तो गलती किसकी हुई है? जो ले जाते हैं उनकी गलती है, भट्टी की कोई गलती नहीं है। ले जाने वाले अच्छी तरह से ठोक बजा के देख लें कि ये पक्का निश्चय बुद्धि हो गया, पाप के ऊपर निश्चय बैठ गया। और लालने के पांव पालने में ही मालूम पड़ जाते हैं। उनकी चलन को यही तीखी नजर से देखो, कहीं देदारियों पर तो दृष्टि नहीं जा रही है? देदारियों को तो आकर्षित करने में या देखने में नहीं लगे रहते हैं, क्योंकि वाइब्रेशन को परखना चाहिए, दृष्टि को परखना चाहिए, चलन को देखना चाहिए, रेगुलरिटी को देखना चाहिए, उनकी पंक्चुअलिटी को देखना चाहिए। कहीं बेवकूफ बनाने वाला तो नहीं है? ऐसे होता है ना, ऐसे हुआ है ना। कोर्स देने वालों ने कोर्स दिया, भट्टी भी कराई, भट्टी करके आए और ब्रह्मा कुमारी को भगा ले गए। देते हैं भगवान को धोखा। तो बच्चों को परखना चाहिए ना, बच्चे का कोई दोष नहीं, बच्ची तो सबके लिए एक जैसी है, परंतु ईंट कोई पक्की रह जाती है और कोई कच्ची रह जाती है। और आत्मा को पूर्व जन्म का ज्ञान क्यों नहीं? जैसे दुनिया में बहुत से एक्सीडेंट ऐसे करारे हो जाते हैं, जबरदस्त एक्सीडेंट हो जाते हैं कि आदमी को पहले का इसी जन्म का सब भूल जाता है, ऐसे ही मृत्यु भी एक ऐसा एक्सीडेंट है, करारा एक्सीडेंट है कि पूर्व जन्म की सारी बातें भूल जाती हैं। और ये भी कोई नहीं कि सब भूल ही जाते हो, कोई कोई को बचपने में जब तक महात्मा रहते हैं, महात्मा बच्चा बुद्धि, तो उनको बहुत कुछ याद भी रहता है, बताते भी हैं, उनके प्रूफ भी पकड़े गए हैं और वो प्रूफ सच्चे भी निकले हैं। सागर मेले में आपने कुछ किया था, सवाल किया था कि कोई ऐसा भाई है क्या कि कोई भी है इस बात बोलने में भारी, इसी में आपने ब्राह्मण परिवार में बोल रहा हूँ कि कोई भाई का ऐसा
कि वो लंगन छोके दिखाए लंगन छोके दिखाए ऐसा आपने कुछ किया था उधर लंगन छोके दिखाए घर में नंगा सोके दिखाओ घर में नंगा सोके दिखाओ आपने बोला है ऐसा आपने आपने कुछ किया था उधर तो वो परिस्थिति आज मैं यहाँ तक आया हूँ कि आपकी याद छुपा ना सके हम उसकी उसके लिए राजी आज आज मैं राजी हूँ घर में रहते हो घर में से भाग खड़े हुए हो हम जो पूछ रहे हैं उसका जवाब दो जैसे शिव बाबा आता है तो एक बात का जवाब दो जैसे शिव बाबा आता है शिव बाबा से बड़ा गृहस्थी तो कोई नहीं है दुनिया में कोई है कोई धर्म पिता बड़ा गृहस्थी तो कोई है नहीं और शिव बाबा से बड़ी गृहस्थी भी किसी की नहीं है बेहद का गृहस्थी है वो छोड़ के भागता है, है? नहीं भागता ना तुम्हें ये परमिशन किसने दी थी कि तुम भागते फिरो क्यों परमिशन है तुमको ये कहा ही किसने कि घर को छोड़ करके इधर उधर रहते फिरो यही तो मुख्य बात है यही तो मुख्य बात है कि संघ में रहते हुए कीचड़ में रहते हुए और फिर भी वो कीचड़ हमारी बुद्धि को व्याप्त न करे संतोष रहे अन्न अन्न जो है वो भी इंद्रियों से खाया जाता है और कोई भी प्रकार का भोग इंद्रियों से ही भोगा जाता है चाहे कोई भी इंद्रिय हो चाहे मुख इंद्रिय हो चाहे आंख इंद्रिय हो या कोई ब्रह्म इंद्रियां हो घर गृहस्थ में रहेंगे तो सब कुछ संग लगता है कीचड़ में रहना पड़े और रह करके फिर ये बात बोली जाए नहीं तो सन्यासियों में चल गुंतारे मारने वाले तो बहुत होते हैं तो चाहता हूँ ऐसा यहाँ कोई बैठा है जो उतरना नहीं चाहता इंद्रियों को पूरा कंट्रोल नहीं करना चाहता यहाँ तो बैठे ही सब है इसी पुरुषार्थ के पुरुषार्थी कि हम चाहते हैं चाहते नहीं मैं इस स्टेज से आया हूँ इसलिए बता रहा हूँ इस आया हूँ कोई मेरे ऊपर अटैक नहीं कर सकता अरे तो भाग क्यों खड़े हुए सवाल ये है उसके लिए थोड़ा हो जाता है ना तो जो थोड़ा हो जाता है वो भी नहीं होना चाहिए थोड़ी जो घबराहट हो जाती है और घबराहट होने के बाद ही युद्ध के मैदान को छोड़ के कोई भागता है युद्ध के मैदान में कोई योद्धा छोड़ के कब भागता है जब घबराहट होती है तो छोड़ के भागता है तो छोड़ के भागता है ये कैसे कहेंगे अरे हम विजयी हो गए परिस्थिति वैसी अरे तो परिस्थिति कमजोर हो गई ना सामने अटैक करे और हम ऐसा करके तो ये थोड़े थोड़े दिन के नहीं होते क्या नहीं होते एक साथ रहे थे और कुछ हमारे में कुछ झगड़ा हो रहा है झगड़ा हो रहा है झगड़ा कब होता है कोई भी प्रकार का झगड़ा इम्प्योरिटी से होता है या प्योरिटी से होता है इम्प्योरिटी से झगड़े होते हैं जहाँ प्योरिटी है वहाँ यूनिटी है यूनिटी है तो झगड़े नहीं होते सचमुच में झगड़े होते हैं नहीं होते वहाँ लक्ष्मी नारायण या जो भी बच्चे हैं जो युवलिया बच्चे पैदा होते हैं जिंदगी भर एक दूसरे को छोड़ के भागते हैं क्या नहीं भागते हैं क्या बात इंप्यूरिटी
एक तो तुम बैठे हो मधुबन में, ये मधुबन है या नहीं है? मधुबन, मधुबन है शीशे का महल, इसमें अगर कोई डिंग मारेगा तो वो डिंग साबित हो जाएगी या नहीं साबित होगी? साबित हो जाएगी। और सबसे बड़ा आरसी है शिव बाबा, उसके सामने तो बिल्कुल ही नहीं छिप सकता। कृष्ण का बने हुए लक्ष्मी नारायण को सारी दुनिया देखी है? कंचन का बने हुए लक्ष्मी नारायण को सारी दुनिया देखी है? पतित दुनिया में एक भी पावन नहीं होता और पावन दुनिया में एक भी पतित नहीं होता। तो सारी दुनिया जब होगी यहाँ तो उसमें पतित होंगे या नहीं होंगे? हैं? वो पतित संपूर्ण पावन वाली दुनिया को देखेंगे? पहले लायक तो बने उस दुनिया में जाने के लिए, तब तो देखेंगे। हाँ, अंदर की आंख से देख सकते हैं कि सारी दुनिया इतना बोल रही है, चारों तरफ आवाज हो रही है, तो ये बात तो सच्ची है, उनको मानना पड़ेगी। भले क्रिश्चियन धर्म के हैं वो भी मानेंगे कि लॉर्ड कृष्ण का राज्य था। शिव की करामत कौन देखे है? भगवान की करामत कौन देगा? भगवान की करामत कौन है? भगवान की करामत को जिसने समझा होगा, जिसने प्रैक्टिस की होगी राजयोग के अभ्यास की, वो देखेंगे, वो ही समझेंगे। जिन्होंने प्रैक्टिस ही नहीं की, पढ़ाई ही नहीं पढ़ी, राजयोग का अभ्यास ही नहीं किया, वो कैसे देखेंगे? दुनिया वालों को कैसा पता चलेगा कि भगवान आया था? तुमने नेहरू जी को देखा? नहीं। गांधी जी को देखा? तुम्हें पता पड़ा है कि नहीं गांधी जी थे या नहीं थे? तुमने क्यों मान लिया? जो सच्चाई का वाइब्रेशन होता है वो चारों तरफ फैला हुआ होता है, वो बात माननी पड़ती है। और भक्ति में वर्णन है तीन गंगाओं का, एक पाताल गंगा, आकाश गंगा और उत्तर भारत की गंगा, तो इनका एक ब्लैक गंगाओं का चैतन्य रूप क्या है? चैतन्य रूप आत्माएं हैं जो वैसे भी बन गई, सूर्यवंशी में चली गई। वो कौन से लोक की गंगा है? वो ज्ञान सुनाएगी कि नहीं? तो कौन से लोक की गंगा हुई? हाँ, तो स्वर्ग लोक की गंगा हुई ना। फिर जो वहां तो नहीं पहुंची, उस संगठन में तो नहीं पहुंची, लेकिन धरती वासियों की ज्ञान सुनाने में लगी रही। जो धरती वासी हैं वो एक तरह के हैं या अनेक अनेक धर्म वाले हैं? अनेक धर्म वाले हैं, उनकी सेवा में लगी रही। मनुष्यों को देवता बनाने के प्रयास में लगी रही, लेकिन सूर्यवंश में नहीं पहुंची। क्या? तो वो कौन सी गंगा कहेंगे? हैं? अरे मनुष्य लोक की गंगा। और जो यहां से भी नीचे उतर गई, पतित बन गई संघ के रंग में आकर के, क्या? तो वो कौन सी गंगा हुई? पाताल लोक की गंगा हो गई। मना पाताल लोक में राक्षस राज्य करते हैं या देवता राज्य करते हैं? राक्षस होगा राज्य दिखाए। ऋषि आत्मा का वर्णन है? ऋषि आत्मा है। अरे वैष्णवी का पार्ट बजाने वाली जो चंद्रवंश से सूर्यवंशी बनेगी, और जो गंगा का पार्ट बजाने वाली है वो एक ही है क्या? अलग अलग है। और बाबा भक्ति मार्ग में तुमको दो बात है, एक है लौकिक, दूसरा है पारलौकिक। तुमको जिससे कहा वो बाप किसने कहा? तुमको बोलने वाला कौन है?
शिवबाबा। शिवबाबा कितनी बातें करते हैं? रुद्रमाला के जिन बच्चों से बात करते हैं वो देह अभिमानी बच्चों से बात करते हैं या आत्मा बने हुए बच्चों से बात करते हैं? तो जो आत्मा बन चुके उनके दो बाप कौन कौन से हैं? उनको दो बाप कौन से समझ में आ गए है? भक्ति मार्ग में तुमको दो बाप थे। बेसिक में जब चलते थे तो भक्ति मार्ग था कि ज्ञान मार्ग था? भक्ति मार्ग था। तो दो बाप थे, कौन से दो बाप हुए? लौकिक माने क्या और पारलौकिक माने क्या? लौकिक माना क्या? शरीर को जन्म देने वाला। तो तुम आत्मा हो? अरे तुमसे पूछता कौन है, कहता कौन है, बोलता कौन है कि लोग तुम्हारे दो बाप थे भक्ति मार्ग में? भक्ति मार्ग में जब बेसिक में थे तो तुम्हारे दो बाप थे या नहीं थे? कौन कौन से दो बाप थे? हाँ, एक पारलौकिक बाप, वो तो सुप्रीम सोल बाप हुआ, बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप, और एक है लौकिक बाप। अभी तुम्हारी समझ में आ गया? वो लौकिक बाप ने तुमको जन्म दिया, उसके मुख से तुमने जाना, क्या जाना? कि हम क्या हैं? आत्मा है। इस लोक का ही है ये, न दिखने वाला है, है? उसका नाम क्या था, टाइटल नाम क्या था उसका? प्रजापिता ब्रह्म, उसको टाइटल मिला हुआ था। उसको एक नंबर पे क्यों रखा है? एक नंबर पे रखा उसको, किसको? लौकिक बाप को, और दो नंबर पे पारलौकिक बाप। हाँ, दो नंबर पारलौकिक बाप, लौकिक बाप और पारलौकिक बाप, ये दो नंबर नहीं है, ये ऊंचाई बताई गई। लौकिक नीचे, फिर और फिर पारलौकिक। जब तक लौकिक ही नहीं है तब तक पारलौकिक हो नहीं सकता। हाँ, अंत में जब राम ही रावण बनता है, देव विजय बनता है, तो राम अंत में निराकारी निर्विकारी निरंकारी बनता है, तो राम ही रावण कैसे बनता है? एक होता है बाप, इस समय देशी बन करके आया हुआ है या विदेशी बन करके आया हुआ है? विदेशी बनकर आया हुआ है, माने अंदर से देशी है या विदेशी है? अंदर से देशी है, और बाहर से क्या पार्ट बजा रहा है? विदेशियों का पार्ट बजा रहा है। अगर बाप देशी बनकर के बाहर से आया हुआ होता तो तुम बच्चों का संग का रंग लग भी न पाता। अगर मर्यादा पुरुषोत्तम बन करके आ जाए तो तुम बच्चों से संग का रंग मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो बाप विदेशी बनकर आए हैं, माना पार्ट बजा रहे हैं, चाहे तो वापस भी जा सकते हैं। तो जो वापस जा सकते हैं वो अंदरूनी बात है या बाहर के पार्ट की बात है? है? अंदरूनी बात है। जो अंदरूनी बात छिपी हुई रहेगी और बाहर से जो एक्ट करेगा दुनिया को विनाश करने का, वो दुनिया का विनाश बच्चे तो कर नहीं सकेंगे। बच्चे बच्चे हैं और बाप बाप है, विनाश काय से होता है? इम्प्योरिटी से होता है विनाश। बच्चे इतनी इम्प्योरिटी धारण नहीं कर सकते, और बाप में इतनी ताकत है, वो बाप ही नहीं है, बाप बाप भी है और सदगुरु भी है। क्या? सदगुरु की बात मानना चाहिए, सदगुरु को प्रैक्टिकल में फॉलो नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? हाँ, क्योंकि इतनी ताकत ही नहीं है। 100% प्योरिटी धारण करना और 100% इम्प्योरिटी धारण करना, ये सिर्फ एक ही आत्मा का पार्ट है या सभी का पार्ट है? एक ही आत्मा का पार्ट है। लेकिन बाबा जो बोलते ना, तो
उनके बच्चे भी नंबर वन तो बनते हैं। अच्छा तो तुम प्रैक्टिस करते हो हैं? क्यों तुम प्रैक्टिस करते हो ये शंकर समान पार्ट बजाने की? फिर भाग खड़े होते हैं? बच्चे कर सकते हैं? मुरली में तो बोला है तुम बच्चों को शंकर को फॉलो नहीं करना है। कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं। माया करवा देती है। नहीं नहीं, पूछ रहे। अच्छा, जब मना कर दिया मुरली में कि तुम बच्चों को शंकर को फॉलो नहीं करना है, तो नहीं करना है तो नहीं करना है, पूछने की क्या बात? माने दिल है। कोई कहते हैं बाबा शादी करें, कोई कहते हैं बाबा शादी करें, लेकिन मुरली में तो कितनी बार मना किया शादी बर्बादी, फिर भी अगर पूछते तो इससे क्या साबित होता है? अंदर की दिल है। अच्छा और आगे निजाम बादशाह का पार्ट प्रजापिता का ही है? निजाम बादशाह का पार्ट प्रजापिता का ही है? ये बाप पार्ट खोलते हैं क्या? नहीं बाबा। हैं? जो पार्ट जिसका होगा वो अपनी चलन से, अपनी दृष्टि से, अपनी वृत्ति से, अपने वाइब्रेशन से स्वतः ही अपने पार्ट खोलेगा, या एक एक पार्टधारी का पार्ट बाप बता देंगे, बोर्ड पर लिखकर बता देंगे, कागज पर लिखकर बता देंगे, या अपने आप प्रत्यक्ष होगा? क्यों पूछ रहे? हाँ बाबा, जो वार्तालाप क्या चलता है, हाँ जिस मूड से जो उसके बाद वार्तालाप क्या चलता है ना, उस टाइम में जब जब बाप को जाना पहचाना और उसी बाप ने जो श्रीमती उसी के और अपर्चर रहे, तो मैं क्या था कोई प्रश्न आएगी जल्दी जब बोलेंगे, कोई बच्चा होगा उसको बोलेंगे ये बाप है तुम्हारा, तो बाप बाद में नहीं बोलेंगे बच्चा, ऐसी बात है ना? मैं क्या जब बाप को सब पहचाना, बाप का जो एजेंट है उसको पहचाना और उनके अपर्चर रहे, हमें बाप के रास्ते चलना है। मैं कहता हर रोज जब कुछ करते हैं तो वो मुरली नहीं चुनते हो गए, जिनों जाए शुभ प्रेम से मुरली नहीं चुनते हो गए, याद नहीं करके मारेगा, इसलिए उनको क्वेश्चन आता है। अच्छा, जिनको क्वेश्चन आता है वो ही बोलते हैं, या जिनको क्वेश्चन नहीं आता है वो चुप क्या बैठे रहते हैं? लास्ट क्वेश्चन है मेरा, हम चाहे कुछ आएगा पूछेंगे नहीं। आज मैंने ऐसा दुर्संकल्प किया बाबा संस्कृत याद करना, बाकी बाबा प्रश्न पूछते हैं नहीं, बाबा को पूरा बोल जाएगा तीन बार बोला है संगम लिए हम ब्राह्मण बनते हैं, इसका क्या है? माना ब्रह्मा के द्वारा तीन बार सृष्टि रची गई और तीन बार बिगाड़ी गई, सती भी शूटिंग में रची गई, त्रेता युग भी शूटिंग में रची गई और द्वापर युग भी शूटिंग में भी रची गई और बिगाड़ दी। फिर कौन सी बार नहीं बिगाड़ी? चौथी बार नहीं बिगाड़ी। माने चार युगों की शूटिंग जब हो जाती है तो पार्ट प्रत्यक्ष हो जाती है, ऐसे नहीं क्या? तीन बार कल पर क्यों बोला है? हाँ, ये शूटिंग पीरियड की बात है। कल्प 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 आकर के हाँ ब्राह्मण बनते हैं, नई दुनिया रचते हैं। अंतर्मुखी होकर याद करना अंतर्मुखी होकर याद करना एक अंतर्मुखी होता है कि मुख से नहीं बोलना,
भक्ति मार्ग में उसी को समझते हैं अंतर्मुखी। और एक होता है बोलते तो नहीं है, अपने को कहते हैं अंतर्मुखी, बोलते नहीं है लेकिन अंदर से संकल्प ढेर सारे चलते रहते हैं। तो संकल्पों के वाइब्रेशन बाहर की दुनिया में फैलते हैं या नहीं फैलते हैं? फैलते हैं। तो अंतर्मुखी हुआ या बहिर्मुखी हुआ? बहिर्मुखी हो गया। तो अगर अंतर्मुखी और बहिर्मुखी का पूरा सही अर्थ समझ जाए तो ये प्रश्न खत्म हो जाता है। और ब्रह्मा ने तो शिव बाबा को याद नहीं किया तो उनके पाप कैसे कम हुए? कहाँ कम हुए? अगर कम हुए होते तो सूक्ष्म शरीर के बंधन में क्यों बांधना पड़ता है? तो उनके पाप वही रह जाते उनके पास। उनकी प्रैक्टिस बनी बिंदु को याद करने की या उनके पाप भस्म हुए? तो पूर्व जन्म उनके पाप कैसे भस्म हुए? आप प्रवेश कर रहे हैं ना, पढ़ाई पढ़ रही है ना कृष्ण की आत्मा? कृष्ण की आत्मा पढ़ाई पढ़ रही है या नहीं पढ़ रही है? पढ़ रही है। आत्मा बनकर भी याद करने से पाप कम होते हैं। हाँ हाँ, तो जो पढ़ाई जिस तन में पढ़ रही है वहाँ आत्मा बनकर के पढ़ाई पढ़ रही है या सूक्ष्म शरीर धारण करके पढ़ाई पढ़ रही है? बिंदु रूप स्टेज वहाँ धारण करती है संग के रंग से, बिंदु रूप स्टेज बनती है, पढ़ाई भी पढ़ती है। फिर जब तक पढ़ाई पढ़ती है तो वो स्टेज रहती है, और जब बाहर हो जाती है सूक्ष्म शरीर में आ जाती है तो गुलजार में प्रवेश करती है। हाँ बर्तना के पैनी मना, एक पैनी की भी कीमत नहीं, एक कौड़ी की भी कीमत नहीं, वैल्यू लेस बन पड़े। बाबा एक थोड़ा नाव जो है उसमें नाव डूब रहे हैं, उसमें पहला डूब जो है वो चंद्रवान होंगे। चंद्रवान होंगे? चंद्रवान होंगे। पहले डूब जो सूर्य होंगे उसमें जो आकर है वो चंद्रवान होंगे। हमें हमेशा चैत्रवान होंगे? रिजल्ट निकलने से पहले ही चैत्रवान होते हैं क्या? नहीं वापस है कहीं तक चैत्रवान होंगे नहीं तो सामने जा रहा है नवा। सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो फिर बाकी जो आठ रूप है वो निराकार प्रेमी थे। चरित्रवान कौन होते हैं? सिर्फ आठ। चरित्रवान वो होते हैं जो साकार में निराकार को पहचानते हैं, वो ही चरित्रवान होते हैं। जिन्होंने उस साकार को पहचाना ही नहीं तो उस साकार की याद कैसे करेंगे? तो साकार में निराकार को याद करते हैं। हाँ, साकार में निराकार को याद कब करते हैं? सती भी शूटिंग में याद करते हैं या त्रेता युगी द्वापर युगी शूटिंग याद करते हैं? द्वापर में चले द्वापर और कलयुग में। हाँ साकार में निराकार याद करते हैं। द्वापर युगी शूटिंग में जब बाप आते हैं तब याद करते हैं साकार निराकार को, या जब बाप होते ही नहीं तब याद करते हैं? बाप जब होते तभी तो याद किया जाए, तो साकार निराकार को। तो संगम युग की बात हुई ना। ठीक है, तो बाकी जो आठ रूप है बाकी जो आठ रूप है आठ रूप मैंने नव ग्रुप में से जो पहला ग्रुप है वो साकार में निराकार को याद करता है, सिर्फ साकार को नहीं। साकार में निराकार को एक होता है सिर्फ साकार को याद करना, और एक होता है साकार में निराकार को याद करना, और एक होता है सिर्फ बिंदु को याद करना। तो मुरली में तो ये बोला हुआ है, जो कन्नड़ की मुरली मिली है उसमें ये पॉइंट मिला है, न साकार को याद करना है न निराकार को याद करना है न आकार को याद करना है। हाँ रिजल्ट बता दिया है कि जो साकार प्रेमी होते हैं वो चरित्रवान होते हैं, लेकिन जो निराकार प्रेमी होते हैं बिंदु जिनको ज्यादा याद आता है वो क्षिप्र गति से पावन बन जाते हैं, उनकी प्रैक्टिस जल्दी पक्की पड़ जाती है।
अरे द्वापर युग में साकार बाप से ताकत लेते थे, साकार युग से ताकत लेते रहते ये निराकार प्रेमी जो सुचर्त है विधर्मी, विधर्मी जो भी है विधर्मी जीत साकार बाप से टक्कर लेते हैं द्वापर युग से, टक्कर लेते रहते हैं अंतिम जन्म का, अंतिम जन्म में साकार बाप से ग्रहण हो जाती है, मतलब संगम युग में अंतिम जन्म में ग्रहण हो जाती है, उससे पहले ग्रहण नहीं होती, पहले भी होती है अंत में भी होती है, तो इसलिए अंतिम जन्म में जो है वो साकार को छोड़ देते हैं फिर निराकार को याद करते हैं। आज की बात कर रहे हैं? नहीं आज की नहीं, पूर्व से गुरु छोड़ के बाकी जो धर्मी है उनकी बात कर रहे हैं, वो जो है अंतिम जन्म में बाप को माता बाप को छोड़ देते फिर निराकार को याद करते हैं, तो अंतिम जन्म में क्यों वो तो पहले से ही छोड़ देते, जब से दूसरे धर्म वाले आते हैं और दूसरे धर्म वाले आकर के उनमें प्रवेश करते हैं उनको संग करने लग जाता है और छोड़ देते, अंतिम जन्म की बात कहाँ है? अंतिम जन्म की बात सिर्फ आठ के आपके लिए लागू होती है, तो जो ये निराकार अंतिम जन्म में सिर्फ नीचे गिरते हैं आप, बाकी जन्म में एकदम नीचे नहीं गिरते, क्योंकि उनका जन्म जन्मांतर का संग रहता है, औरों के मुकाबले उनका नंबर देखा जाएगा ना, औरों के मुकाबले उन्होंने निराकार साकार का बैलेंस ज्यादा रखा, ज्यादा लंबे टाइम तक रखा या कम रखा, तो फिर आकार में जो सहकार्म है सिंधु के बाबा एक और मार बना रहे हैं, तो फिर वो साकार को मानते नहीं, तो फिर साकार में अंतिम जन्म को साकार को नहीं मानेंगे, अंतिम जन्म में माया के जब चंदे में आ जाते हैं तो साकार को नहीं मानेंगे, और उससे पहले के जो 83 जन्म है वो किसको मानते रहे? साकार को मानते रहे, साकार को सहयोग देते रहे, लेकिन माया आखिरी किसी को छोड़ती नहीं है, तो आखिरी जन्म में आकर के माया उनके ऊपर सवार हो जाती है। तुम सब सीताएं हो ये क्यों कहा? ये क्यों नहीं कहा तुम सब में एक सीता नहीं है? क्यों नहीं कहा तुम सब भक्तियां हो? हाँ हाँ, तो उनमें कोई एक आत्मा तो ऐसी है, हाँ और बाबा गुप्त हो जाएंगे अभी, आधा पार्ट जो है बाबा गुप्त हो जाएंगे अभी, तो बाबा ने बोला अष्टदेव से कार्य करेगा, जब अष्टदेव में बाबा नहीं है क्या? बाबा है, तो बाबा गुप्त के करते चलेगा जो देवी का धर्म वाले और बाकी दुनिया वालों के लिए गुप्त हो गए और तुम बच्चों के सामने प्रत्यक्ष हो गए, अब फिर उसमें नंबर बार निकाले जाएंगे, माला बनेगी तो नंबर बनेंगे ना, तो जो नंबर बनेंगे उनमें जो श्रेष्ठ होंगे उनके लिए थोड़ी गुप्त हो जाएंगे, हाँ शूटिंग के हिसाब से एक न एक टाइम एक न एक सेकंड ऐसा आ जाएगा जरूर कि अनिश्चय बुद्धि सब बनते हैं, एक भी ऐसा नहीं बचता जो अनिश्चय बुद्धि न बने, इसलिए पद का विनाश हो जाता है, माने पहले नंबर का पद कोई को नहीं मिल सकता। बताया तो 83 जन्म तक बाप के साथ रहने वाले, बाप को सहयोग देने वाले, और अंतिम जन्म में माया से प्रभावित होने वाले, उसमें भी नंबर वार है, कोई पहले प्रभावित होंगे कोई लास्ट में प्रभावित होंगे, जितना देर से प्रभावित होंगे आखिरी जन्म में उतना आठ में ऊंचा नंबर होगा, इसलिए शंकर जी को कौन सी नगरी प्रसिद्ध है? प्यारी है काशी नगरी, प्यारी दिल्ली क्यों नहीं प्यारी?
दिल्ली इतनी प्यारी क्यों नहीं बताई गई? जरूर औरों के मुकाबले निश्चय बुद्धि ज्यादा समय तक रही है। देवताओं को दाढ़ी मूछ नहीं रहती है ना, शंकर को तो बड़े से बड़े देवता है, लेकिन चित्रों में उनको दाढ़ी मूछ कर दिखाए। शंकर पार्टदारी है कि नहीं? हाँ, पार्टदारी की मूर्तियां बनती हैं कि नहीं? हाँ है? जो पार्टदारी है वो बहुरूपिया है या नहीं? बहुरूपिया है तो राम तो रावण भी बनता है। जब रावण बनता है तो दाढ़ी मुझे लगानी पड़ेगी नहीं लगानी पड़ेगी? इसलिए मुरली में भी बोला है शंकर का चित्र ऐसे बनाया है जैसे रावण, भयंकर चित्र बनाई दिए। और एडवांस मालूम? एडवांस में ही रहेंगे या माला में आ जाएंगे? और प्रजापिता पतित को कहा जाता है, वो प्रजापिता में जब ब्रह्मा प्रवेश करता है और मनन चिंतन मंथन करता है उस समय जो पार्ट बजता है वो शंकर मन मिक्स पार्ट बजता है या एक ही आत्मा पार्ट बजाती है? मिक्स पार्ट बजता है, वो शंकर कहा जाता है। शंकर माना ही मिक्स, जैसे कहते हैं शंकर कपास, शंकर मक्का, शंकर धान, तीन आत्माएं मिक्स होकर के पार्ट बजाती हैं तो बनता है शंकर। जब एक ही आत्मा पार्ट बजाती है तो है प्रजापिता। प्रजापिता पतित को कहा जाता है या पावन को कहा जाता है? है? प्रजापिता पतित को कहा जाता है। और शंकर सूक्ष्म वतनवासी देवता है, फरिश्ता है या पतित है? अरे दूसरे धर्म वाले भी जो आप फरिश्तों को मानते हैं कहते हैं खुदा ने वो खुदा के तख्त को आठ फरिश्तों ने उठाया, तो जिन आठ ने उठाया उनमें एक जबराइल का भी नाम देते हैं, वो सबसे बड़ा फरिश्ता है, तो उसको वो पतित मानते हैं या पावन मानते हैं? पावन मानते हैं। ब्रह्मा कुमारियां भी ब्रह्मा बाबा को पावन मानती हैं या पतित मानती हैं? पावन मानती हैं। तो लेकिन नास्तिक है आस्था किसके ऊपर है? सेवेंटी सिक्स से पहले की बात नहीं, 76 के बाद किसके ऊपर आस्था है? अरे अगर आस्थावान है नास्तिक नहीं है तो किसके ऊपर आस्था है? बाबा ने बोला है ना अपने आप में तो याद करना बहुत पसंद है, अपने शिव को याद करना तो और सहज हो जाता है। अरे उसको हरिनगर से नहीं कहा जाता है? जो अपन को शिव कहते हैं उनको क्या कहेंगे? उनको कहेंगे हिरण्यकश्यप। शिव कहने से शिव हो जाएगा क्या? या शिव शिव का काम करेगा तो शिव कहा जाएगा? तो जो काम करेगा उसको कहने की दरकार है। और पांच पादों की राजधानी होना चाहिए पंचकुला,
लेकिन अभी भी राजधानी चंडीगढ़ है, तो इसका मतलब क्या है? राजधानी चंडीगढ़, इसका मतलब बेहद खास है। पांच पांडवों की राजधानी पंचकुला, पांच कुल का, जो पांच कुल वाले हैं वो वहाँ होने चाहिए, ये नहीं कहा राजधानी पंचकुला है, होना चाहिए पंचकुला, नहीं नहीं चंडीगढ़ राजधानी हरियाणा की भी है और चंडीगढ़ राजधानी पंजाब की भी है। पहले चंडीगढ़ राजधानी हिमाचल प्रदेश की भी थी, अभी हिमाचल प्रदेश अलग कर दिया, उसकी शिमला राजधानी हो गई, लेकिन अभी भी दो राज्यों की राजधानी है कहाँ? चंडीगढ़ है। क्या बेहद का अर्थ? अभी अभी जो राजधानी तैयार हो गई है वो चंडीगढ़ है या पांडवों का गढ़ है? हाँ, अभी चंडिका देवी काम कर रही है या नहीं कर रही है? कर रही है। गढ़ माने किला, तो जब तक चंडिका देवियों का प्रभाव है तब तक राजधानी चंडीगढ़ ही कहेंगे या पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ कहेंगे? है क्या कहेंगे? हाँ चंडीगढ़ ही है।